हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टी गेमर्स। आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और हाँ, मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में कहा था, हम बनाएंगे अपनी खुद की माइन, तो हम बनाने वाले हैं। तो चलो बनाने चलते हैं अपनी माइन। इस बार कर लूँगा मैं परफेक्टली। ये देखो भाई, ऐसे करना पड़ता है वाटर बकेट ट्रिक। सीखो ज़रा मेरे से, सीखो। ये देखो, एक डायमंड पुराना वाला है, ये कोल की ज़रूरत पड़ सकती है। चलो चलते नीचे। ये मैं ये लगा दिया था ये सीढ़ी ताकि आसानी हो, लेकिन अब भी स्लो है यार, क्योंकि ऊपर ये हाइट कम हो गई इसकी। इसको मैं बाद में ठीक कर लूँगा, पहले हम नीचे चलते हैं। चलो देखो, अब तेज चलेगा ये रेड स्टोन तो कोई काम कर। ये देखो मेरा रूम, आपको अगर से खूब सारा डायमंड होना तो इसी तरह बना लेना। और ये है हमारी माइन, जो कि कुछ कुछ गटर लाइन जैसे दिख रही है। और ये कोल तो मेरे कुछ काम का है नहीं, मतलब काम का है लेकिन वो तोड़ने का मन नहीं कर रहा। और देखो मेरे पास कितने सारे आयरन गोल्ड हो गए हैं। और हाँ, मेरा माइनक्राफ्ट अपडेटेड है यहाँ। अब तुम लोग गरीब वाला माइनक्राफ्ट खेलते हैं तो मेरी कोई गलती नहीं है। इस माइनक्राफ्ट 1.17 में ना बहुत ज़बरदस्त फीचर है ये रॉ गोल्ड, जो वो पहले क्या बोलते थे इसको, हाँ आयरन और बोलते थे ना, मैं भूल गया क्योंकि मैं ये बहुत दिन से ये खेल रहा हूँ ना, आयरन और। अब है वो रॉ आयरन। पहले मेरे को वुड की ज़रूरत है, इससे हम बनाएंगे स्टिक, क्योंकि हमें ज़रूरत है पिकैक्स की। अभी हमें खूब माइनिंग करना है, जब ही हमें डायमंड मिल पाएगा। 10 हो गई, एक आयरन की बनाने। सब है बराबर, है बराबर है सब। इस सीट क्यों लेके आ गया रेन, तो अभी क्या करना उसका। आयरन रख देता हूँ इधर। अब चलो माइनिंग करने। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी माइनिंग। 2x2 का खोद लेना है। 4x4 बोल रहा, 2x2 का खोद लेना है। छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये गरीब चीज़ मिल गई है, वो मतलब रेड स्टोन, गरीब चीज़, गू है गू। मुझे मिल चुका है आयरन, और ये बहुत कीमती चीज़ है माइनक्राफ्ट में, मतलब उतनी भी रेयर नहीं है लेकिन बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसको मैं पैक कर देता हूँ, परफेक्ट माइन बनाएंगे भाई। हो तो ये आपको एकदम गरीब भी बना सकती है, जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती ना तो ये बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए मैं पहले से इसको तोड़ के रख लेता हूँ। ये रेड स्टोन कितने मिल रहे हैं, आयरन से ज़्यादा रेड स्टोन मिल रहे हैं। ये और आयरन मिला मुझे, इसको भी तोड़ूंगा मैं। आयरन तो छोड़ूंगा ही नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, पूरा तोड़ूंगा। ये दिख रहा है ओर की स्किन, मतलब ओर का टेक्सचर देखो कितना ज़बरदस्त दिख रहा है इसमें, आयरन ओर का। उसका पैक कर देता क्योंकि अच्छी लुक आने को ना हमारी माइन की, डायमंड मिलने को ना हमें। भाई ऊपर का को तोड़ रहा मैं, आयरन फिर से मिला। देखो तो मुझे और आयरन मिल चुका है आगे। मेरे कोऑर्डिनेट्स देख लेना, पहले ये 31, मतलब 31 अभी है, पहले ज़्यादा थी। मतलब आप सोच सकते हो मैं कितनी आगे आई हूँ माइनिंग करते करते। अभी मेरे पास ज़्यादा आयरन हो गया होगा, पहले मैं तोड़ लेता हूँ। भाई गोल्ड भी मिल गया, ये तो नेदर में ज़्यादा काम आता है लेकिन डेकोरेशन के भी काम आते हैं ये, इसलिए मैं इसको तोड़ लेता हूँ। आया 19 और हो गए मेरे पास आयरन के, वैसे 19 कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा ही फेंक दिया था। इसको भी तोड़ना है, इसको तोड़ना पड़ेगा। अब आगे मैं ज़्यादा माइन नहीं करने वाला, अब हम अपनी न्यू, मतलब एक इसके बाद एक और माइन बनाएंगे। ये 3 ब्लॉक छोड़ के हमें एक और माइन बनाएंगे हम, ये भी 2x2 की।
अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैं फिर से मजदूरी वाला काम कर दिया, लेकिन नहीं, मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ डायमंड। ये डर्ट के नज़दीक ज़्यादा रहता है डायमंड, लेकिन मेरे को लग रहा नहीं कि यहाँ पर होगा डायमंड। हम चलते हैं आगे। ये स्टोन कलेक्ट नहीं हो रहा ना, इन्वेंट्री भर गई है लगता हमारी। हम इन्वेंट्री खाली कर कर आते हैं। ओ भाई क्रीपर है वो, क्रीपर। वैसे हम डरते क्या, ये हमारी माइन है, हम यहाँ के बॉस है। ले पट से, वो आयरन की शॉट से कमरे में। अब मार दूंगी इसको मैं, ले पट से हेडशॉट। चलो इसका फायदा। वैसे हम काय के लिए आए थे यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, ये स्टोन स्टोर कराने जाना था। यहाँ पर हमारा फूड पक चुका है। हम ये स्टोन यहाँ पर हम भरते हैं। ये स्टोन हमें अगली वीडियो में काम आने वाला है, क्योंकि हम अगली वीडियो में कुछ खास करने वाले हैं। यहाँ पे भर दे तो मैं गोल्ड, यहाँ पर आयरन, और यहाँ ये तो खाली है, फूड काम आएगा अभी अभी। धड़ाधड़ स्टोन बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे पास। ये ऐसी माइन बनाओ ना तो स्टोन, मतलब कॉबल स्टोन फार्म बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। माइनिंग भी करो, डायमंड भी मिलता है, आयरन भी मिलता है, और जितने भी सामान है सब मिलते हैं, और एक तो स्टोन जमा होते हैं। ये मेरी तीसरी माइन है, और जैसा कि आप सब देख सकते हो मुझे मिल गया है डायमंड। देखो कितनी मेरे कदमों के नीचे आ गया डायमंड। देखो कितने अमीर बंदे हैं हम माइनक्राफ्ट के, कदमों के नीचे डायमंड मिला हमें। बदकिस्मती से हमें सिर्फ 4 डायमंड मिला है, उसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। भाई 4 भी कम नहीं है, काम आता है। अब मिल गया उस पर भी हमें नहीं बोलना चाहिए ना कम है ज़्यादा। वैसे मैं बोल रहा हूँ, आप तो सिर्फ सुन रहे हैं ना, सुन के मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पे हमें आगे माइन बनाना पड़ेगा, और क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई हमारी ये माइन, शायद हमें और डायमंड मिल जाए आगे। मैं वो माइन कंप्लीट कर चुका हूँ, और ये देखो मैं 3 माइन बनाया था। अभी देखो 3 माइन में, सिर्फ 3 माइन में हमें इतने, मतलब 4 डायमंड मिले हैं, खूब ज़्यादा भी नहीं है। अगर से हम और बनाएंगे सोचो कितना डायमंड होगा हमारे पास। ज़्यादा लालच में नहीं आओ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें लालच नहीं है डायमंड की, लेकिन जब आप सर्वाइवल खेलते हो ना, जब समझ में आता है डायमंड मिला कैसे। ये गोल्ड हो गया, इसको यहाँ पे करा देता हूँ स्टोर। 18 गोल्ड हो गया, 2 ब्लॉक बन जाएंगे उसमें गोल्ड के। कितना टाइम लग रहा है। अब हम चलते ऊपर। अब देखना मैं फास्ट नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, बस आप लोग स्पीड देखना चढ़ने की स्पीड का है। ये देखो कितनी स्पीड में चल रहा है हमारा बंदा। अगर से ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अच्छी नहीं करी तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना, और बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि हमारी चिमकांडी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे।